नाहरगढ़ से भगवान दास कुशवाहा की रिपोर्ट के अनुसार बारां जिले के नाहरगढ़ वन क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन का शोर खुलेआम हो रहा है, जिसे रोकने में विभाग पूरी तरह से कमजोर है। बारां जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र में बड़े स्तर पर वन क्षेत्र है, जिसमें 12 महीने अवैध खनन होता है। यहां वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए कस्बे से ही क्षेत्र के वन प्रेमियों ने विभाग के स्थानीय वन कर्मियों सहित जिले के उच्च अधिकारियों को उनको कई बार अवगत कराया, लेकिन इस मामले में विभाग के स्थानीय वन कर्मियों सहित जिला स्तर तक के उच्च अधिकारियों के कानों तक चू नहीं रेंगती। लगातार वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन से वन भूमि तो खड्डों व खाइयों में तब्दील हो गई है, लेकिन वहीं वन संपदा को भी भारी नुकसान हो रहा है। यहां नाहरगढ़ सहित क्षेत्र के अवैध खननकर्ता सरेराह वन भूमि से अवैध खनन कर अपना गोरख धंधा करते आए हैं, जिनके खिलाफ विभाग ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे अवैध खनन कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। कस्बे से ही क्षेत्र के वन प्रेमियों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में नाहरगढ़ क्षेत्र की संपूर्ण वन संपदा नष्ट हो जाएगी, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। विभाग को चाहिए कि वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन व अवैध अतिक्रमण पर पूरी तरह से रोक लगाए, जिससे वन भूमि सहित वन संपदा को नष्ट होने से बचाया जा सके। वहीं इस मामले में सहायक वन संरक्षक दीपक कुमार गुप्ता से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि हम नाहरगढ़ क्षेत्र में हो रहे वन भूमि पर अवैध खनन व अवैध अतिक्रमण को लेकर गंभीर हैं। हम जल्द ही जिला स्तर से स्पेशल टीम गठित कर नाहरगढ़ क्षेत्र में हो रहे वन भूमि पर अवैध खनन व अतिक्रमण को रोकने के लिए भेजेंगे। जो भी ट्रैक्टर वन भूमि पर अवैध खनन करता पाया गया उसे राजसात कर उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि वन संपदा व वन भूमि को बचाया जा सके। नाहरगढ़ से भगवान दास कुशवाहा की रिपोर्ट।